अस्सलामुअलैकुम, ईद अस्सलामुअलैकुम। अतरा नु शीशोई नहीं, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। सो गाइस, अजानें शुरू हो गई हैं, 4:30 का टाइम हो रहा है और आप सबको हमारी तरफ से, हमारे पूरे घर वालों की तरफ से ईद मुबारक। आने वाला अगला साल, आने वाली अगली ईद आप सब के लिए खुशियाँ भरी हो, आमीन। इसी दुआ के साथ आज की ईद का आगाज़ करते हैं। और हमारा, तुम कुछ कहना चाहोगी? मैं बस ये कहना चाहूँगी कि तुम कितनी कन्फ्यूज हो। यार, कन्फ्यूज़ की बात नहीं है, तुमने मुझे पीछे से इतनी ज़ोर से पकड़ा है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा कन्फ्यूजन पर तुम जैसे से करी जा रही हो। कब कर रही हो? पता ही नहीं चला। गाइस, मेरी बहन काफ़ी कंफ्यूज है, थोड़ा मैं करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एवरीवन, वेलकम टू हमारा विद लाइव यूट्यूब चैनल पे। है तो कर ले सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक, कमेंट, शेयर, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। सो गाइस, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ऐसे करते हैं। ईद मुबारक, या आप सबको कर रही ये मेरे तमाम ऑडियंस, मेरे देखने वालों को, मेरी माँ को, मेरी बहनों को, मेरी प्यारी बहन, छोटे छोटे से बच्चों को, बहनों को, सबको, और भाइयों को, अंकल्स को, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। और मेरी तरफ से भी सेम ऐसे। और हमारा ने आज मेकअप किया है, मैंने मेकअप लुक क्रिएट की है, ठीक है, लेकिन मुझसे गलती ये हो गई कि मैंने कैमरे में नहीं बनाया। अब नेक्स्ट व्लॉग जो है ना, मैं बनाऊंगी अपनी मेकअप लुक से लेके बाल स्ट्रेट तक का, मतलब मैं आपको अपनी ईद लुक क्रिएट मुकम्मल करके दिखाऊंगी फुल। सो गाइस, हमेशा से हमारे दिन की शुरुआत होती है मीठे से, तो पहले हम बनाएंगे जेली कस्टर्ड, इस तरह का, जिस तरह का इसके ऊपर बना हुआ है। ये मैं चीज़ें ले आई हूँ, इसको मैंने इस तरह का बनाना है, इसलिए यहाँ पे ये लगाया था कि ऐसे इधर चीज़ें रखूँगी ना तो मिट्टी ना जाए। अब देखें कितना साफ है, मिट्टी नहीं गिरी। गाइस, हमारा ने गूंदा है आटा, क्योंकि आटा हम लोग खाएंगे साथ में, क्योंकि ना बाबा रोटी खा सकते, बाहर का नान खा सकते हैं, ना ही हम, तो हम लोग बाहर ये खाएंगे नान, नान की जगह खाएंगे रोटी आज, मुझे पता नहीं क्या। नहीं, चले गए चले गए। ओ गाइस, मैं इस तरह बना रही हूँ खीर, जिसकी रेसिपी आपको मिलेगी मेरे दूसरे चैनल पे। तो ये है खोया, और हमारा कह रही है मुझे पकड़ा दो मटर, हमने खाने हैं आज मटर वाले चावल, साथ में बनाएंगे कोरमा, इसमें बना लो हमारा परात में। तो ये देखिए, हमने सुबह से की हैं सफाइयाँ वगैरह भी की हैं, आटा भी गूंद गया है, कस्टर्ड जेली बन गया है, हमारा बनाने लगी है खाने की तैयारी। हमारी जगह साफ है, ये हमने पहले इसको धोया अच्छे तरीके से। अब हमारा ये छोटा सा सेटअप है सारा, तो इस वजह से आपको गंद गंद सा लगता है, गंद नहीं है, सारी सफाई सुथराई है, हर बर्तन, सारे बर्तन धो के रखे हैं, चमका के रखे हैं। हाँ, दे सकती हूँ ठंडा पानी, ठंडा पानी मांग रही है, इधर हमें चोपर तुन देती होती हूँ, ठंडा पानी, ठंडा। ये ले, बता मैं काना हूँ, बता मैं काना हूँ, बता ना मैं कानी, काना मतलब क्या, काना एक मिनट बड़ी गल, आलू जड़ा का ना वेखो काना निकलता, पर मैं कहनी दस मुड़े ना, मैं भी काणी ही है, मैं भी काणी। हां, तू भी काणी है, उंगाई मैं काणी दा मतलब दसया जे। काणी की नु कहिदा, काणी मतलब भैंगी नु, के मतलब खराब पीस नु कहिदा, काणी कहिदा चावे, चावे नु कहिदा, चावा नु कहिदा, पागले खराब पीस नु कही दे के खराब है गा, काना हो गया, जिवें हुण असीं मेरे काना निकल आया, मैं सुटदा वा, मैं काना नहीं ना, मैं नहीं ना, मैं नहीं ना हूं काना, ऐसा तो बोल ना, कुजा लगनी पई है, कुजा कैमरा गिरया, बोल ना, मैं नहीं हूं ना काना,
लाना तेरी शक्ल दे उते कौन है रहमान बाजी आलू मटर बनाउन दे ने मेरी जैड़ी थंदी नहीं आउंदा ए सपोर्ट ना किता ते फेर देखना पागल है मैं बह के लोकां नूं कहांगी ते लोकी अगर मैनूं चाहुंदे ने ते मैनूं सपोर्ट करनगे इस तरह ही मेरा वेखो जरा ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸੈਟਅਪ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਵੇਖ ਤੇ ਸਹੀ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉੱਪਰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਗੱਲ ਸੁਣ ਜਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕੀ ਕਰਨ ਡਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿੜਕੀ ਚੋਂ ਜਿਵੇਂ ਵਹਾਨੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਖਿੜਕੀ ਹੈ ਦੇਖਣਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਈ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਆਇਆ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਗਈ ਉਹ ਨੱਸਿਆ ਜੇ ਚੁੱਕੜਾ ਨੱਸਿਆ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਕੇ माशाल्लाह से आज है ईद का पहला दिन और हमने ईद में मीठे में बनाया है कस्टर्ड और मिक्स की है जैली साथ में केक। हम लोग ऐसा बनाते हैं, कुछ लोग फ्रूट्स के बनाते हैं, हम लोग लेकिन ऐसा बनाते हैं। तो सबसे पहले मीठे से करते हैं आगाज ईद का, भाइयों को देते हैं। हाँ, और भाइयों को देते हैं, बाबा को देते हैं, और अभी बाबा से जाके मिलते भी हैं। अभी पहले मीठा भिजवा दो, बाद में मिल लेंगे। चलो सही है। ये लो हमारे। अच्छा, अक्सर हमारा नाश्ता जो है वो मीठे से था। हम आज लाइट चलाना, बड़ी लाइट जलाओ। ईद का नाश्ता हमारा मीठे से होता है। हाँ, ईद का नाश्ता। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका? ठीक है, मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक। और अल्लाह पाक सबकी ईद खैर खैरियत से गुजारे, और अल्लाह पाक सबको सबकी कुर्बानियाँ कबूल करे, अल्लाह पाक सबकी कुर्बानियाँ कबूल फरमाए, सबकी। तो ये देखिए, हमने भाइयों के लिए सर्व कर दिया। मैं और माना नहीं खाएंगे, भी हम लोग बाद में खाएंगे, दिल नहीं चाह रहा। खाना बन गया माना, डालो प्लेट्स में। उनका भी बुला लेना था, सही। सो गाइस, आज हम लोगों ने बनाए थे आलू मटर वाले चावल, ठीक है। तो अब हम लोग इसी को ही खाते हैं। मेरी बात सुनो। सुनाओ। देख लो, 3 बज गए, हमें कहीं से गोश्त नहीं आया। अभी हम लोगों ने देखो वो आलू मटर वाले चावल बना लिए, अचार डाल के, मिर्च डाल के, साबुत गरम मसाला, जीरा। खा के बताओ कैसे हैं। तुम खा के बताओगी, तुम टेस्ट करके बताती हो। मजेदार है, पता नहीं कैसे बने। वो दोनों देख लो, आ नहीं रहे हैं। माड़ा आ जाएंगे खुद ही, उनकी मर्जी। आ पैर फड़न तो तेरे आयो आयो आयो। ठीक है, मैं आवाज दे देती हूं यार, आवाज मैं दे देती हूं। आना ते आ जाएंगे। हां, नहीं ते अल्लाह ही आफ हो जाना था। यार ना नु आवाज दे ही, जो वो आंदे ही यार, ना ने बड़ा ही तंग किया है ना दोवा जणियां ने। हां गाइस, मैं अभी खिड़की बकड़े के पास बैठे हैं, मैं अभी आवाज दी कि आज रोटी खा लो, घंटा हो गया आंदे। ठीक है, तू देती है ना आवाज, बस ठीक है, बाकी हुन खसमा नु खान फिर। माशाल्लाह, देखें हमारी प्रिंसेस का ईद का फर्स्ट डे का सूट, और ये इसकी खाला ने गिफ्ट किया था इसको। इधर आओ, बाल दिखाओ रैन। चल गोल घूम जा। ओए रैन के बालों का देखो, ये कितना प्यारा है। वाह, ये हेयर बैंड है। इधर आ, चल माशाल्लाह। अब खुद ही गोल घूम जा, खुद ही कर।
अब खुद ही खुद ही गोल घूम, चल ना देख ले। शर्म क्यों आ रही है तुझे, तू तो इतनी प्यारी है, तू तो एटी साइड ना खुली है नहीं। चल ना बता, मामा ने तैयार किया, गमी लग रही है मेरे पुत्र नो, पसीने आए ने। मामा क्या कर रही है और बेबी क्या कर रहा है, काका क्या क्या बोल रही थी मामा, बता बता मामा क्या बोल रही थी, मैं नहीं वीडियो बना रही है, बता इधर आ, हाथ पकड़ा, ये मेरा शहजादा ही सोना बच्चा, आ जा आगे आ जा, आ जा गोल गोल घूम जा तू, गोल गोल घूम घूम तू, शाका लाका बूम बूम। खाना खाया, मीठा खाया नहीं खाया, खाना है आपने मीठा, खाना मीठा, ठीक है मैं खिलाती हूँ। चलो यार माड़ा किन्ना दुखी मंजर होंगे ने यार।
बहुत सोहना तू नजारा आ रहा है इतनी है ये यार, ये इन्होंने बैग का मजाक बना दिया, कहती बैग टूट गया, उड़ैन भी कहती बैग टूट गया, मुनीना भी सी जा रही। हाँ ऐसे टूट गया बैग, प्यारा था ना पिंकी। मैं नीचे वाले रूम में बैठी हुई, मुझे देखें पिंकी जो है वो चला गया है, अल्लाह की राह में कुर्बान हो गया है पिंकी, अल्लाह उसको जन्नत में जगह दे। ड्यूटी काफी दी है ना ने, लेकिन आज से इनकी ड्यूटी जो है वो खत्म हो गई है, और पिंकी भी अल्लाह की राह में चला गया, बस अल्लाह कबूल फरमाए आमीन। और अब चलते हैं अगले आगाज की तरफ। ये दुख तो अपनी तरफ होता ही है बंदे को कि एक जानवर है उससे मोहब्बत हो जाती है, बट खैर कोई बात नहीं, रोना नहीं चाहिए, दलेरी से काम लेना चाहिए, बिल्कुल इमोशनल मत हो तुम हमारा, तुम्हें नजर आ रहा तुम इमोशनल हो रही हो, जैसे सुबह उठने को देखती हूँ, अब ना ऐसे करी। तो गाइस अभी जो है वो उसके पीसीज हो रहे हैं गोश्त के, फिर जब हो जाएंगे ना फिर आपको दिखाते हैं थोड़ी देर बाद। मुझे लगता है दादी का हिस्सा इतने ही पिया है, दादी नु लगता देना ही पैना दादी का हिस्सा। ओ हाँ ये भी पिया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने बरकत पा दी, और मैंने ऐसा लग रहा है ए बकड़ा चा रहा कि मैं दादी को भी जावा तो मैं सोच रही मैं दादी ने भी गोश्त भेजना ही पैना, दिल करता पा थैली माशाल्लाह गाइस। एक सीरियस सी बात है, देखे हमने पहली बार किया, हमें इतनी खुशी थी, हमें इतनी एक्साइटेड पन था ना कि आपको क्या बताएं। तो देखे अल्लाह पाक ने इसमें बरकत डाल दिया, इसमें हमारा प्यार मिक्स हो गया, हमारी मोहब्बत मेहनत। हाँ जी मेरे भाइयों ने बड़ी इसका वो किया, ख्याल रखा और इतना थक गए ना दोनों, सो गए हैं, और अभी हम लोग इतना खपड़े हैं ना कि आपको क्या बताएं, मतलब खपना तो मैं नहीं कहूँ उसको, लेकिन मैं बहुत थक चुकी हूँ, इसकी कटिंग करना, इसको मतलब कसाई वगैरह से करवाना सब कुछ, अब इसके हिस्से करना। और सो गाइस अब हम लोग मजीद इसको काम को निपट कर फिर आपसे मिलते हैं। और हमने पकाया नहीं, शाम को हुआ। हाँ अभी तक हमने पकाया नहीं है, ये तकरीबन शाम 7 बजे जिबा हुआ है, ठीक है, और बल्कि अल्लाह की राह पे कुर्बान हुआ है 7 बजे,
शाम और इसको कट होते होते 10 बज गए हैं और अभी हम लोग देख के आए हैं तो 11 बज गए हैं। मल्लेदारों में देख के आए हैं, अभी रिश्तेदारों में देना है और अभी हम लोग इसको धो अलग से रहे हैं। अब मेरे दांत से जबान आ गई, लगता किसी ने तेरी बुराई की है, तेरी सास ने तेरी बुराई की है, तेरी सास तेरी भेंट के चुगलियां कर रही है कहीं पे माड़ा। मेरी कोई सास नहीं है गाइस, छोड़े कभी ना कभी तो होगी, जो जो भी वो होगी वो ना तेरी चुगलियां कर रही है लगता है। चले गाइस मैं थोड़ी देर मरीना के साथ और काम करवा लूँ, मैं बहुत थक गई हूँ, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रही है, इतनी ऊपर नीचे की है ना। और मैं बहुत मारता, बताओ उन्होंने कितनी मेहनत, उन्होंने इतनी मेहनत की, उन्होंने भी इतनी ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, हम आ तो बेचारा आए आए कर रहा था। हाय मेरे पैर गए, हाय मेरे पैर गए, ही वो जाकर ना सो गया। हालांकि ये नहीं कि हमने सिर्फ उनसे ही ऊपर नीचे कराई है, हमने खुद बड़ा हिस्सा लिया है ऊपर नीचे करने का, मैंने और अमरीना ने, हम लोगों ने चारों ने बराबर किया आज का दिन, मेहनत किसी की भी कम नहीं थी, किसी की भी ज्यादा नहीं थी, चारों की बराबर थी। हाँ, और आपको पता है ये पता कि वो मारा थके हैं ज्यादा, ये लोग पहले से ही बकरे की जो है ना वो उसकी खिदमत कर रहे थे, इसलिए खलोते रहते यार कहने लोग खलोते होंगे नाल दे अंकल इधर वाले अंकल सामने वो बस फर्स्ट टाइम का था ना, जो एक्साइटेड खुशी जो होती है वो फिर बंदा कहता है कि यार मैं अपनी खुल के करूं उसे सेलिब्रेट। हाँ, वो पहला था ना उनका इसलिए वो एक्साइटेड थे। बाकी मेरा जो गाइस वो पिंकी था ना वो इसमें तब्दील हो गया, पिंकी बेचारा कसने में। एक बहुत बड़ी बात बताऊं, जब उसने कसाई को देखा ना आते हुए दूर से तो वो इतनी तेज तेज इधर उधर घूमने लग गया, जैसे उसे पता चल गया होगा ये आ रहा है मुझे करने के लिए, वो ऐसे ऐसे घूमन केड़िया कभी इधर जाए कभी उधर जाए, ऐसे ऐसे करी जाए और उसे पता लग गया हुआ था और वो अंदर ना जाए। मैं उसके पास गई, हम लोग नीचे, हम लोग उसे प्यार किया, आप लोगों को ब्लॉग में भी देखा होगा। फिर उसके बाद मतलब उसमें अब हम लोग से बात तो दिखा नहीं सकते थे उसे छुड़ी फिरते हुए, क्योंकि एक तो YouTube का बहुत बड़ा इशू हो सकता है कम्युनिटी का, और इसके अलावा हम लोग इतना दिल से दुखी थे ना, इतना दिल से दुखी थे कि इतने सारे मर्द नजर आते कि अपनी फीलिंग का इजहार नहीं कर सके रो के, लेकिन दिल इतना दुख है ना, इतना दुख है आपको क्या बताएं। एक अटैचमेंट हो जाती है गाइज इनके साथ, एक ऐसी अटैचमेंट हो जाती है कि आपको क्या बताएं, ये अलग ही एहसास और प्यार है इनके साथ। सो गाइस अब मैं कर लूं, उसने काफी सारा गोश्त धो दिया, मैं थैले बना लूं और मिलते हैं थोड़ी देर बाद। अस्सलाम वालेकुम, पिंकी खवा दे, पिंकी आपके साथ भी मैंगो रेसिपी शेयर करती हूँ। सबसे पहले आपने इस तरह की एक मशीन ले लेनी है, ठीक है। मेरा रेसिपी बताने का तरीका आप लोगों को इतना पसंद आएगा कि आप लोग इस रेसिपी को बार बार बना के पिएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इसे करना है ढक्कन चुकना है, बिस्मिल्लाह। फिर इस फ्रिज में मैंने कुछ आम जो है वो कटिंग करके अभी रखे थे थोड़ी देर पहले, मुझे लगा था मरीना नहीं पिएगी, लेकिन अब हम लोग इस आम को उठा करना इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाह, नहीं रुको एक मिनट ठहरो, चम्मच के साथ डालते हैं दूध जो कि मैं इस्तेमाल करूंगी ये वाला। यहाँ से एक दूध का डिब्बा लेते हैं, ठीक निकाला, यहाँ से एक दूध का डिब्बा लेते हैं और इसके अंदर डाल देते हैं। जस्ट वेट, वो एक बात बता दूँ, ये जो डिब्बा है ना डिब्बा, इसमें तुम लोगों ने कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी कि इसको हम थोड़ा सा बचा ले, नहीं, इसको सारा ऐसे 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 करके डाल दो। गुड हो गया, इसमें एक भी कतरा नहीं रहा। वेट, आम जो है ना वो पहले ही मीठे हैं तो थोड़ी सी चीनी डाल लो। कट ले गया नहीं, मैं
ये तुम लोगों को लग रहा है कि मैंने बड़ी ज्यादा डाल दिया, लेकिन नहीं, ये मेरे से फुल आ ही नहीं रही है, क्योंकि मैं खपची हूँ, मैं खपची, हाँ खपची नहीं हूँ, नहीं हाँ इसी हाथ से करती हूँ मैं काम सारे, तो वो इसलिए ऐसे हो रहा है क्योंकि ये चीज़ नीचे है, ये ऐसे आके तो ये हो रहा है। बाकी खैर छोटे बकवास के बगैर काम करते हैं, आप जल्दी से इसको टकरा लगाते हैं। अच्छा मेन चीज़ तुम लोग भूल रहे हो वो क्या है, तुम लोग को भी नहीं पता, मैं बताती हूँ। इसमें तुम लोगों ने डाल देना है पानी। डन, हमने इसका टकना, चलो भाई चलो 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 चलो, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ओ जादू है रे जादू, तेरी बातों में मिट्टी। सो वेट एंड वॉच, इसको रगड़ा लगाते हैं फिर आपसे मिलते हैं। पकड़ लेंगे हम रगड़े वाली ये मशीन। हाय मेरा फोन टूट गया दिखाई। हाय ला ओ इट्स सो बिग लॉस। देखिया की हरकत आई आने तेरिया, की करन डई है हूं, इन भी रोड दे बेड दे उत्ते रख के काढ़ ला, इन थले रख के काढ़ ओनु। देखते सही मोबाइल होया तो नहीं चलना गया, खत्म हो गया ते। ओ होए 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 होए, ते बड़ा वड्डा तू नुकसान करता है। की कीता है बात है मेरे लिए, स्पेशली मेरे लिए, और आप लोगों को बताते हुए मुझे जरा भी शर्म नहीं आ रही, क्योंकि यू नो आई एम बगैरत। खैर कोई बात नहीं, टॉपिक पे आते हैं। असल बात यह है कि आज है ईद का दूसरा दिन, ईद के पहले दिन हमें कहीं से भी गोश्त नहीं आया और हम लोगों ने बना के खाए आलू मटर वाले चावल। और अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की मर्जी की तरफ से हमारा तो दूसरे दिन का था कुर्बानी का डे, लेकिन 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 ईद के पहले दिन ही शाम के टाइम 7 बजे हमारा जो पिंकी था वो हमें छोड़ गया और वो एक बोटी में तब्दील हो गया। खैर अब हम लोग करने लगे हैं नाश्ता, कल गैस चले जाती आप लोगों को पता है, फिर वो जैसे उसकी बोटियां हुई वो ज़िबा हुआ, तो उसके बाद तकरीबन 12 बज गए वैसे रात के, हम लोग को फ्री होते होते गैस चले गई थी, हम लोग चारों बेचारे हफ गए वैसे, मड़ खप गए सो गए। अब सुबह उठे हैं तो मुनीना ने कहा है कि कलेजी के साथ बिस्मिल्लाह करते हैं और कलेजी के साथ ही सबसे पहले खाते हैं, तो अभी हम लोग खाना खाने लगे हैं नाश्ता, तो सब आ गए हैं तो खाते हैं और बिस्मिल्लाह करते हैं, आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। और अगर आप लोगों को कलेजी की रेसिपी चाहिए हो तो इनबॉक्स में, सॉरी कमेंट सेक्शन में लाजमी कहिएगा कि हाँ जी हमें रेसिपी चाहिए है, फिर इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे रेसिपी भी। अरे मैंने डिफरेंट तरीके से बनाई है, चलें आपको दिखाते हैं। सो दिस लुक कलेजी, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, सबका सालन डाल दिया है, बिस्मिल्लाह ये सबके सालन डल गए हैं, ठीक है सबके। तो अभी हम लोग बिस्मिल्लाह करते हैं, मैं टेस्ट करके आप लोगों को बताती हूँ कि कैसी बनी है। मुझे दो जरा, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है, बहुत ज़्यादा मैं उठी, मुझे इतनी गर्मी लग रही थी, मैं पसीनों से पीनी हुई भी ठीक है, फिर उसके बाद मैंने ना मतलब भूख में इतनी थी ना, तो ये रोटी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, या अल्लाह पाक सबकी रिजक में बरकत डाल और हमारे भी, आमीन सुम आमीन। इतनी बड़ी भूखी तोड़ी है ये, मेरे बूथे में आ जाएगी ना, आ जाएगी।
चलो आ जाओ खाना खा। नहीं आयो मिलते हैं खाने के बाद। बहुत मजे की बन गया, बहुत मजे की, बहुत मजे की, बहुत मजे की। गलती मुझसे ये हो गई, मैंने बड़ी बाइट दे दी, ठीक है, कसम से बहुत मजे की बन गया, मजा आ गया कसम से। चले मिलते हैं फिर नाश्ते के बाद, और हम हाथ को ले आओ। गाइस देखिए जी जरा बत्ती तो बाल। गाइस मेरी गाल सुने आप। अबे बच्चा आया कोई, एक आंटी आती है हमारे घर, उनका पोता है। मैंने उनको फोन करके कहा आंटी गोश्त ले जाए, तो ना वो उन्होंने अपना पोता भेज दिया, तो कहती है देखी जरा, कहता दादो दादो ने कह गोश्त ले लो। मैं कहा साड़ी दादो करो गोश्त आया, देखी जरा, कहती बच्चा कोई आया, कहता मैं दादो कह रही है मेरी गो कहता गंदी वाला मैं क्या है नहीं यार, वो इनका बकरा ना ऐसे ही बोलता है, उनके बकरे छतरे है ना, उनके छतरे हैं वो ऐसे ही बोलते हैं। छतरे का कॉम्बिनेशन समझ नहीं आया, वो ऐसे तुरते ना, मैं देख बकरे ऐसे तुरते ने, अच्छा छतरे ऐसे तुरते, छतरे दोबारा तो कहीं कीवे तुरते, छतरे ऐसे तुरते, अल्लाह की कसम तू छतरा लगनी चाहिए। अच्छा मैं ऐसे समझ नहीं कि छतरा क्यों, मतलब छतरी है ये लोग, छतरी नहीं नहीं छतरा होता ना दुम्बे वाला, तो दुम्बा मतलब कि अक्सर मैं तो दुम्बा कहनी है, तो मैंने अच्छा दुम्बा कर लिया, तो तू है दुम्बा, मेरी कैसे दुम्बा दे आज दूर था, मैं किरण तो मैं कर रही हूँ,
तो बस अल्लाह मैं चुकी लिया तू देता मीठे से शुरुआत की है। सो गाइस बहुत ज्यादा माजरत के साथ कि आप लोगों को ईद का भी व्लॉग नहीं मिला फर्स्ट डे का, आज आपको ईद भी व्लॉग मिलेगा। तो अब हम लोग इस व्लॉग का इधर ही एंड कर रहे हैं, मिलते हैं एक सेकंड न्यू व्लॉग में। दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, बाय।